हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कैप्सिकम ऑमलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। हर बार एक ही तरह का रेसिपी बनाने से मेहमान आते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि आज कुछ अलग क्या बनाएं। तो आप इस तरीके का ऑमलेट बना के सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और दिखने में बहुत ही यूनिक लगता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इतना सुंदर ऑमलेट तैयार हुआ है, तो ऐसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले हम कैप्सिकम को काट के उसका एक रिंग तैयार करेंगे। तो हमें कैप्सिकम को ऐसे रख लेना है, एक पेज भर की नाइफ लेनी है और इसके आगे वाले पॉइंट को हम धीरे से ऐसे काट देंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, हमने यहाँ से इसे काट दिया। अब हम एक एक इंच का पतला पतला स्लाइस काटेंगे। थोड़ा ज़्यादा मोटा चलता है, पर यही साइज का हमें काट लेना है। बड़ा कैप्सिकम हो तो हम चार पीस आराम से कर सकते हैं। फिर हम पीछे वाले हिस्से को काट लेंगे। तो आपने देख लिया, हमने कैप्सिकम को काट लिया। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। अब हम कैप्सिकम को एक छोटी नाइफ की मदद से बीच वाले सीट को निकालेंगे। तो ऐसे हम आराम आराम से काट के और इसके शीट्स को निकाल देंगे। तो ये रिंग तैयार हो गया अपना। ऐसे ही हम दूसरे शीट्स को काट के रिंग तैयार कर लिया। तो चलिए हम सभी रिंग्स को ऐसे तैयार कर लेते हैं। कैप्सिकम रिंग हमने बना लिया है। गैस पे हमने एक फ्राई पैन रख लिया है। गैस को ऑन कर लेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तो तेल की जगह पे आप बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑमलेट जो है तेल में बनाइए तो ही अच्छा होता है। अब हम ऐसे तेल को फैला देंगे। तेल गर्म हो रहा है, तब तक चलिए हम ऑमलेट के लिए अंडे को तोड़ के घोल तैयार कर लेते हैं। हमने एक कांच का बॉल ले लिया है, उसमें हम अंडे को तोड़ लेंगे। तो किनारे को ऐसे हम हल्का सा टच करके तोड़ेंगे। वैसे तो अंडा तोड़ने सबको आता है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। हमने चार अंडे तोड़ लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच ब्लैक पेपर, एक बड़ा साइज प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है, यानी कि जो बीज का हिस्सा निकला था उस प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये है कोरिएंडर लीफ, यानी कि धनिया पत्ता, जिसे हमने धो के बारीक बारीक काट रखा है। जितना हमको तीखा चाहिए उतना हम मिर्च डालेंगे। यहाँ पे हम दो मिर्च को बारीक बारीक काट के डाल दे रहे हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑमलेट के लिए हमने एक को अच्छे से खोल लिया है, तो चलिए फिर हम गैस की तरफ चलते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक कैप्सिकम रिंग जो काटे हैं उसे डालेंगे। एक बार में जितना आ पाएगा उतना हम
डाल देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर पका लेंगे, क्योंकि कैप्सिकम पक जाएगा, ऑमलेट डालने के बाद हम इसे ज्यादा नहीं पका पाएंगे। तो हम 1 मिनट एक साइड से और 1 मिनट एक साइड से कैप्सिकम को तेल में पका लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रख के हमें पका लेना है। एक साइड से 1 मिनट हो चुका है, अब हम कैप्सिकम को एक बार ऐसे टर्न कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कैप्सिकम जो है अपना पक चुका है, यानी कि 50% हमें पका लेना है, फिर हम अंदर स्टर करेंगे। दोनों साइड से हमने कैप्सिकम को एक एक मिनट सेक लिया है। तो आप देख सकते हैं 50% अपना कैप्सिकम जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। हम इसे फिर से टर्न कर ले रहे हैं। अब हम इसमें ये ऑमलेट का जो घोल बनाए हैं उसमें भरेंगे। तो एक बार हम फिर से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ब्लैक पेपर सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। और हम चम्मच की मदद से एक एक कैप्सिकम में ऑमलेट के घोल को डालेंगे। तो हमने सभी कैप्सिकम में ऑमलेट के घोल को डाल दिया है। अब हम एक साइड से इसे अच्छे से सिकने देंगे, फिर फ्लिप करते टाइम आपको दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑमलेट को ऐसे एक स्पैटुला से काट लेंगे। ऐसे हमने काट लिया, अब हम इसे फ्लिप करेंगे। तो धीरे धीरे हम इसे उठा लेंगे और ऐसे फ्लिप कर लेंगे। इससे क्या होगा, दोनों साइड से अपना ऑमलेट अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है। 2 मिनट हो चुका है, तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसे प्लेट से निकालेंगे और प्लेट में ऐसे सर्व करेंगे। अरे वाह, आप देख सकते हैं इतना बढ़िया डिजाइन में ऑमलेट तैयार हुआ है। ऐसे हम इसको प्लेट कर लेंगे। कैप्सिकम ऑमलेट बना के तैयार कर लिया है। आपने देख लिया कितना आसानी से हमने कैप्सिकम ऑमलेट बनाया है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और देखने में थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगता है, ये सोच के हमने बनाया। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। घर आए मेहमानों को अलग अलग तरीके से हम रेसिपी सर्व करें तो हमें भी अच्छा लगता है, मेहमान भी खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।